अंबानी वेडिंग पे परफॉर्म करने के लिए रिहाना को मिल रहे हैं कितने पैसे। दोस्तों, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फेस्टिविटीज में रिपोर्टेडली कई बॉलीवुड एक्टर्स परफॉर्म करने वाले हैं। इवन रणबीर और आलिया तो रिसेंटली रिहर्सल्स करते हुए भी नजर आए। लेकिन इस पूरे इवेंट की हाईलाइट होने वाली है रिहाना की परफॉर्मेंस। बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग जैसे कई ग्लोबल पर्सनालिटीज इन वेडिंग फेस्टिविटीज को अटेंड कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ग्लोबल पर्सनालिटी है जिन्होंने आज इंडिया का ध्यान अपने तरफ कर लिया है, एंड वो है रिहाना। हाँ, हम सभी के परफॉर्मेंसेस के लिए एक्साइटेड है, लेकिन रिहाना का लगेज देखने के बाद अब हम सब सिर्फ उनके परफॉर्मेंस के बारे में सोच रहे हैं। कल एयरपोर्ट में सबसे ज्यादा लगेज था रिहाना का। उनका लगेज इतना ज्यादा था कि सभी शॉक हो गए थे। रिपोर्टेडली ये सब उनके परफॉर्मेंस का सामान है। अब जब सामान के लिए इतना ध्यान रखा गया है, ऐसे में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके परफॉर्मेंस भी काफी धमाकेदार होने वाली है। रिपोर्टेडली रिहाना को इस परफॉर्मेंस के लिए 8 से 9 मिलियन डॉलर यानी 66 to 74 crores दिए जा रहे हैं। सेलिब्रेशंस आज शाम से शुरू होने वाली है एक शो के साथ जिसका नाम है इवनिंग इन एवरलैंड। रिहाना कल आई थी जामनगर अपने टीम के साथ, एंड रिपोर्टेडली वो आज रात को अपने कहीं मशहूर गाने परफॉर्म करने वाली है जैसे डायमंड्स। रिहाना की इतनी महंगी फीस सुनने के बाद तो सभी दंग रह गए हैं, लेकिन जानने वाली बात यह है कि इस फीस का मेजर हिस्सा उनके स्टेज एंड इक्विपमेंट की ट्रांसपोर्टेशन में लगा है। तो कल हम सब ने जो लगेज इंटरनेट पे वायरल होते देखा, वो कोई मामूली लगेज नहीं बल्कि रिहाना की परफॉर्मेंस का हाईलाइट होने वाला है। कल अपने लगेज से और आज अपनी फीस से अंबानी शादी का हाईलाइट बनने वाली रिहाना की परफॉर्मेंस के लिए हम सभी बेताब है। ऐसे में अब देखना होगा कि रिहाना इन 3 दिनों में कौन से इवेंट्स पे परफॉर्म करती है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या हमें उनके इस बेहतरीन परफॉर्मेंस की झलके सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है या नहीं। पिछली बार ईशा अंबानी की वेडिंग पे बियॉन्से ने एक प्राइवेट कॉन्सर्ट दिया था, लेकिन उसकी कोई भी झलक सोशल मीडिया पे नहीं आई। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि इस बार ऐसा ना हो एंड रिहाना की इस कॉन्सर्ट की झलके हमें भी देखने को मिले।